नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश जोशी आम्रपाली इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में वर्तमान में कार्यरत हूँ और आज आप लोगों के सामने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नॉर्मलाइजेशन टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। स्टूडेंट्स, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कोर है, और अगर सीधी सी बात करें या सिंपल वे में इसको हम बात करें कि बिना नॉर्मलाइजेशन के आप डेटाबेस में आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक आपको नॉर्मलाइजेशन के फंडामेंटल्स या रूल क्लियर ना हो, तब तक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में काम करना समहाउ इम्पॉसिबल है। ये एक तरीके से कर्नल की तरह रिएक्ट करता है। जो वैल्यू एक कर्नल की ऑपरेटिंग सिस्टम में है, वही वैल्यू नॉर्मलाइजेशन की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में है। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्मलाइजेशन को। तो नॉर्मलाइजेशन को पहले सिंपल से वे में अगर मैं एक लाइन में इसको समझाना चाहूँ कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, तो नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग रिडंडेंसी और रिपीटिशन दैट इम्प्रूव्स अ डेटाबेस डिज़ाइन। और अगर एक लाइन में बात करूँ तो नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द रिडंडेंसी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि रिड्यूसिंग द रिडंडेंसी वर्ड यूज़ करना है, रिमूविंग नहीं, क्योंकि रिपीटिशन को रिमूव नहीं कर सकते हैं हम 100% किसी भी डेटाबेस से, इसलिए रिड्यूसिंग वर्ड इसमें एप्लीकेबल होता है। दूसरी डेफिनेशन अगर हम कहें तो नॉर्मलाइजेशन कुछ रूल्स का एक सेट है। मतलब नॉर्मलाइजेशन के अंदर कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है हमको डेटाबेस बनाते समय। और सीधी सी बात कहें, अगर हमको नॉर्मलाइजेशन समझ में आता है तो हमको इन रूल्स को पढ़ पढ़ के डेटाबेस डिज़ाइन करना है। तो हमारे पास कितने नॉर्मल फॉर्म्स हैं? तो आज प्रेजेंट डेट में हमारे पास फर्स्ट एनएफ, सेकेंड एनएफ, थर्ड एनएफ, बीसी एनएफ, फोर्थ एनएफ, फिफ्थ एनएफ एंड सिक्स्थ नॉर्मल फॉर्म हमारे पास प्रैक्टिस में हैं। इसके अलावा इन जनरल, अब अगर हम कब कहें कि कोई भी डेटाबेस नॉर्मलाइज है, तो इसके लिए हम लोग जो जनरल वर्ड यूज करते हैं वो कहते हैं कि जब भी कोई डेटाबेस थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक के रूल्स को फॉलो कर ले। अगर हम किसी भी डेटाबेस में हमारे पास रूल्स हैं, उन रूल्स के हिसाब से अगर हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक के सारे रूल एक डेटाबेस फॉलो करता है तो वो डेटाबेस नॉर्मलाइज कहलाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्मल फॉर्म तो हमारे पास सिक्स हैं, बी सी एन एफ, फोर एन एफ, फाइव एन एफ, सिक्स एन एफ, हमने इनको क्यों नहीं काउंट किया? इसके पीछे रीज़न है कि ई एफ कॉड जो इस रिलेशनल डेटा मॉडल के ओरिजिनेटर हैं, जिन्होंने ये पूरा आर डी बी एम एस का प्रिंसिपल दिया है, उन्होंने ही थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक के रूल दिए हैं। इस वजह से इन जनरल ये कहा जाता है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक के रूल अगर आपका डेटाबेस फॉलो करता है तो आपका डेटाबेस नॉर्मलाइज्ड है। तो इसीलिए मिनिमम लेवल पे आपको तीन नॉर्मल फॉर्म्स पता होने चाहिए। इसीलिए इस सेशन में हम लोग फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ और थर्ड एनएफ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ ईएफ कॉट, मैंने जनरली अभी डिस्कस किया है इसको। टू ब्रिंग अ टेबल इन नॉर्मलाइज फॉर्म वन नीड टू डिकम्पोज इट इन टू मल्टीपल टेबल। अब दूसरी प्रोसेस की अगर हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन में करेंगे क्या? हमने रूल पढ़ा, रूल पढ़ के हमने अप्लाई किया, उससे क्या निकल के आया? तो सारे नॉर्मल फॉर्म में एक चीज कॉमन है, याद रखिएगा इस चीज को, मैं स्टार्टिंग में इस बात को कह रहा हूँ कि सारे नॉर्मल फॉर्म्स में एक चीज बड़ी कॉमन है, वो है कि जब भी आप नॉर्मल फॉर्म लगाएंगे, सपोज ए एक टेबल है, आपने कहा कि इसको नॉर्मलाइज करना है, ठीक है, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए आपने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का रूल पढ़ा। उस रूल को पढ़ने के बाद वो रूल आपसे क्या कहेगा? वो कहेगा कि टेबल ए में रिपीटिशन है, इसको हटाइए। तो उस रूल को हटाइए, रूल हटाएंगे कैसे, रिपीटिशन हटेगा कैसे? तो रिपीटिशन डेटा को डिलीट करके नहीं हटेगा, रिपीटिशन हटेगा जब हम इस टेबल से एक से ज़्यादा टेबल्स बनाएंगे। तो इसीलिए जो सेकेंड पॉइंट है, टू ब्रिंग अ टेबल इन नॉर्मलाइज फॉर्म वन नीड टू डिकम्पोज इट इन टू मल्टीपल टेबल्स, मतलब सारे ही नॉर्मल फॉर्म्स एक ही बात कहते हैं कि रिपीटिशन हटाना है तो टेबल को ब्रेक करना होगा, डिकम्पोज करना होगा। तो हम नॉर्मल फॉर्म में यही सीखते हैं कि उस टेबल को हम डिकम्पोज करेंगे कहाँ पर, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनकी जिन जगहों पर हमको टेबल को तोड़ना होगा, डिकम्पोज मतलब टेबल को ब्रेक करना होगा। अभी तक मेरे पास एक टेबल थी, अब मेरे पास एक से ज़्यादा टेबल्स होंगी, यही एक्चुअल में सारे नॉर्मल फॉर्म्स कहते हैं, स्टार्ट टू एंड। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस। प्रोग्रेसिव प्रोसेस का मतलब ये है कि नॉर्मलाइजेशन इंक्रीमेंटल अप्रोच में चलता है, मतलब कि रूल्स मेरे पास पहले नॉर्मल फॉर्म का सपोज एक रूल है, दूसरे नॉर्मल फॉर्म पे भी एक रूल है, तीसरे नॉर्मल फॉर्म पे भी एक रूल है। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के हिसाब से, नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है, इसके हिसाब से हमको सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का ही रूल लगाना होगा।
अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं फर्स्ट और सेकंड ना लगा करके मैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म के रूल सबसे पहले लगा लूं, तो भी नॉर्मलाइजेशन में आउटपुट गलत आएगा। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें कि नॉर्मलाइजेशन को प्रोग्रेसिव कहा जाता है या इंक्रीमेंटल कहा जाता है, इसलिए क्योंकि सबसे पहले आपको पहला नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करना होगा और उस नॉर्मल फॉर्म को अप्लाई करके आपके पास जो भी आउटपुट आया, आउटपुट क्या आएगा, मैक्सिमम अभी तक आपके पास एक टेबल थी तो फॉर एग्जांपल अब दो टेबल हो गई, तो अब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के रूल उन दो टेबल्स में लगेंगे। जो पहले नॉर्मल फॉर्म का आउटपुट होगा, ध्यान से सुने, जो पहले नॉर्मल फॉर्म का आउटपुट होगा वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए इनपुट होगा, मतलब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के रूल्स आप पहले नॉर्मल फॉर्म के आउटपुट पे लगाएंगे। इसी तरीके से सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या करेगा, हो सकता है दो टेबल्स हैं, अब आपके पास तीन या चार टेबल्स हो जाएं, तो अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म उन चार टेबल्स में लगेगा, ना कि उन दो या एक टेबल में। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात कहता है, वो कहता है कि इन अ रिलेशन एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक। इसका मतलब है, अभी आगे के एग्जाम्पल्स में हम इसको शो करेंगे, कि टेबल में सिर्फ वही फील्ड्स अलाउ होंगे या वही फील्ड्स रहेंगे जिनमें या जिनकी पॉसिबल वैल्यू सिर्फ एक ही होती हो। एक से ज़्यादा वैल्यू अगर किसी फील्ड में आ रही है तो वो फील्ड उस टेबल में नहीं रहेगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बात करता है एटॉमिसिटी की, एटॉमिक। दूसरी बात, रिमूवल ऑफ हॉरिजेंटल या रो रिडंडेंसी। हॉरिजेंटल या रो रिडंडेंसी का मतलब है इफ डेटा इज रिपीटेड इन मोर देन वन कॉलम, अगर एक से ज्यादा कॉलम्स में वैल्यू सेम आ रही है तो ये भी हमको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रिमूव करनी होगी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ की एट्रीब्यूट। अगर आप कोई टेबल बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि उस टेबल के अंदर आप प्राइमरी की जरूर आइडेंटिफाई करें। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ की एट्रीब्यूट मतलब प्राइमरी की। रीजन क्या है, प्राइमरी की ही वो फील्ड होगा जिसके बेसिस पे बाकी डेटा का रिकॉग्निशन डिपेंड करेगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको शो कर रहे हैं। ये आया एक एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान दें तो इसमें एम्प्लॉई नंबर, एम्प्लॉई का फोन नंबर और एम्प्लॉई की डिग्री, ये तीन इंफॉर्मेशन हम रखना चाह रहे हैं। अब अगर हम कहें कि क्या ये टेबल नॉर्मलाइज है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के रूल्स को अप्लाई करना होगा। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का जो रूल है वो क्या कहता है, सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि सारे फील्ड्स एटॉमिक होने चाहिए। तो अब इसमें एटॉमिक कैसे चेक करेंगे, जैसे एम्प्लॉई नंबर या एम्प्लॉई कोड की अगर मैं बात करूं तो एक एम्प्लॉई का एक ही कोड होता है जो पॉसिबल है, एक से ज्यादा एम्प्लॉई कोड किसी भी एम्प्लॉई को नहीं मिलेंगे, तो ये एटॉमिक है। क्यों, क्योंकि इसकी एक ही पॉसिबल वैल्यू है। एम्प्लॉई का कॉन्टैक्ट नंबर, हर ऑर्गेनाइजेशन में या बैंक्स में अगर आप जाएं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हर एम्प्लॉय का एक ही कॉन्टैक्ट नंबर होगा। अगर सपोज मैंने कहा नहीं एक से ज्यादा कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, तो उस केस में आपके पास क्या पॉसिबिलिटी होगी कि फिर ये नॉन एटॉमिक हो जाएगा। मगर अभी प्रेजेंट एग्जाम्पल में हम ये मान के चल रहे हैं कि एक एम्प्लॉय का एक ही फोन नंबर है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉय की डिग्रीज पे। तो एम्प्लॉय डिग्री में आप ध्यान देंगे और वैल्यूज भी देखेंगे कि BA, BSc और PhD, ये एम्प्लॉई नंबर 331 के आगे तीन डिग्री दी हुई है। भाई उसके पास तीन डिग्री है तो तीनों डिग्री वहां पर मेंशन करी गई है। उसी तरीके से एम्प्लॉई नंबर 670 में आप ध्यान देंगे तो BSc और MSc आपको दिया गया है। तो यहां पर एम्प्लॉई डिग्री कैसा फील्ड है, जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज है, मतलब नॉन एटॉमिक। इसमें एम्प्लॉई नंबर और एम्प्लॉई फोन तो एटॉमिक है, जबकि एम्प्लॉई डिग्री इज अ नॉन एटॉमिक एट्रीब्यूट। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के हिसाब से ये एट्रीब्यूट या ये फील्ड इस टेबल में नहीं रहेगा, आपको इसे हटाना होगा अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आपको इम्प्लाई करना है तो। तो यहां पर नेक्स्ट स्लाइड आप देखेंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, टू ऑब्टेन फर्स्ट नॉर्मल रिलेशन वी मस्ट विदाउट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्लेस द अबव टू रिलेशंस, सी द नेक्स्ट स्लाइड, इन दिस स्लाइड सी द आउटपुट, एम्प्लॉई और एम्प्लॉई डिग्री। नाउ वी हैव टू टेबल्स, अगर आप ध्यान देंगे तो अब हमारे पास दो टेबल्स हैं जिसमें मैंने क्या किया है, एम्प्लॉई नंबर और एम्प्लॉई फोन नंबर एक टेबल में रख दिया। अब क्योंकि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि नॉर्मलाइजेशन में हमको ये सीखना होता है कि हमको टेबल को कहाँ पर डिकम्पोज करना है, तो सबसे पहले वाली स्लाइड में अगर आप ध्यान दें, हम वापस जा रहे हैं, एम्प्लॉई डिग्रीज इस टेबल को अगर आप ध्यान देंगे, क्योंकि ये एटॉमिक नहीं है, आपको यहां पर इस टेबल को ब्रेक करना होगा, मतलब एम्प्लॉय डिग्री इस फील्ड में नहीं, इस टेबल में नहीं रहेगा, हमको इसके लिए दूसरी टेबल बनानी होगी।
तो सबसे पहला हमको क्लू मिल गया कि हमको टेबल कहाँ ब्रेक करनी है, नॉन एटॉमिक पे। तो नॉन एटॉमिक पे जैसे ही मैंने टेबल ब्रेक करी, अब आप ध्यान देंगे तो एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय फोन नंबर और एम्प्लॉय डिग्री, एक नई टेबल मैंने बनाई है जिसको मैंने किससे कनेक्ट किया है, उसकी डिग्री और उसके एम्प्लॉय के नंबर से, कि इस एम्प्लॉय की ये डिग्री है। तो इस तरीके से ये अब आप ध्यान देंगे और चारों फील्ड्स आप देखिए दोनों टेबल्स में हमारे पास क्या हो गया, सारे के सारे एटॉमिक हो गए। तो ये टेबल्स फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हैं। साथ में अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। अ टेबल इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सबसे पहला कंसर्न क्या है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, मतलब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के जो कंटेंट लगेंगे वो इन दो टेबल्स में लगेंगे अब, ना कि इसमें। इस टेबल में सेकेंड नॉर्मल फॉर्म नहीं अप्लाई करेंगे, हमको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म इन दोनों पे लगाना होगा। मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि नॉर्मलाइजेशन एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, इसका मतलब पहले नॉर्मल फॉर्म का जो आउटपुट आएगा वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए इनपुट होगा। अब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की इंपॉर्टेंस कब आती है, जब हमारे पास कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी कैंडिडेट की ऑफ द टेबल। इसको अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा बेहतर समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान देंगे तो बुक नंबर, बोरोवर और फोन नंबर, अगर आप ध्यान दें तो इस टेबल में हमारे पास क्या कंसर्न है कि तीनों ही फील्ड्स एटॉमिक हैं, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो इसमें आ रहा है, ठीक है, मगर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है या नहीं ये हमको इसमें टेस्ट करना होगा। अब इसको आप ध्यान से देखिए तो बुक नंबर, बोरोवर और फोन नंबर, बुक नंबर में भी रिपीटिशन है, बोरोवर में भी रिपीटिशन है और हो सकता है कि कॉन्टैक्ट नंबर में भी रिपीटिशन है। ध्यान दीजिए कि तीनों ही फील्ड रिपीट कर रहे हैं, तो हमारे पास सिंगल फील्ड यहाँ पर प्राइमरी की बनने के लिए कैपेसिटी नहीं रखता कोई भी। तो अगला अटेम्प्ट हमको क्या करना होगा, हमको सीरियल नंबर के नया फील्ड नहीं जोड़ना है, हमको सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करना होता है, सिंगल फील्ड ढूंढिए प्राइमरी की है बनेगा कि नहीं, नहीं बना, ओके। अब आप ढूंढिए कि क्या कॉम्बिनेशन में प्राइमरी की बन सकती है, अगर कॉम्बिनेशन में बन सकती है तो प्रायोरिटी हम उसको देंगे, ना कि हम एक नया आईडी फील्ड ऐड करें इसमें 1 2 3 4, क्योंकि कई बार हमको आदत रहती है कि हम लोग 1 2 3 4 एक आईडी फील्ड लगाते हैं और उसको मान लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको टेबल के अंदर ही कंटेंट ढूंढना है। तो यहाँ पर इस स्लाइड को देखिए, कैंडिडेट की बुक नंबर और बोरोवर, तो इसका मतलब यह है कि इसमें बुक नंबर और बोरोवर इसको मिला करके प्राइमरी की बनाई जा सकती है। इस टेबल का मीनिंग क्या है, पहले ये समझ लें आप कि ये बुक नंबर है, ये बोरोवर है, ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर है, कि मतलब ये बुक इस बोरोवर को चाहिए, बुक टू भी, बुक थ्री और बुक टू अजय कुमार को चाहिए, जबकि बुक टू संजय कुमार को चाहिए, मतलब ये एक लाइब्रेरी का डेटा है जिसमें हम मान के चल रहे हैं कि ये बुक्स इन इन बोरोवर्स को रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पर एक बुक एक बोरोवर को एक ही बार में चाहिए होगी, तो इसीलिए बुक नंबर और बोरोवर इज एक्ट एज अ कैंडिडेट की। नेक्स्ट, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन हमारे पास सामने है, पुट द टेलीफोन नंबर्स इन सेपरेट टेबल। और अब ध्यान देंगे तो बुक नंबर और बोरोवर एक टेबल का पार्ट हो गए, जबकि बोरोवर और कॉन्टैक्ट नंबर एक टेबल का पार्ट हो गए। अब ऐसा कैसे हुआ, हमने कैसे क्यों डिकम्पोज किया इस सेक्शन पे, इसके लिए वापस हम अपने स्टार्टिंग पे चलते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि बुक नंबर, बोरोवर और फोन नंबर तीन फील्ड्स थे, और इस स्लाइड में ध्यान से देखिए हमने बुक नंबर और बोरोवर को क्या कहा है, प्राइमरी की, ठीक। तो यहाँ पर एक फील्ड नहीं है प्राइमरी की, अब मिला करके प्राइमरी की है। तो अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना होगा, सेकेंड लाइन में देखिए बोरोवर और लाइन फोन नंबर, मतलब यहाँ पे ये शो करा जा रहा है कि फोन नंबर की जो डिपेंडेंसी है इस प्राइमरी की में, जबकि दोनों में होनी चाहिए, वो सिर्फ बोरोवर पे है। मतलब क्या है कि फोन नंबर की जो रिकॉग्निशन है वो अजय कुमार से है, बुक नंबर से नहीं। अगर मैं कहूँगा बुक थ्री और फोन नंबर कोई लिंक ही नहीं है आपस में, तो फोन नंबर और बोरोवर का लिंक करने के लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड है, बुक का बोरोवर का नाम। जब तक बोरोवर का नाम नहीं होगा तो हम इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, तो इस लिहाज से ये गलत है। क्यों, क्योंकि सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहता है कि टेबल में सिर्फ वही फील्ड रहेगा जो दोनों प्राइमरी की पे डिपेंड होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो बुक नंबर और बोरोवर पे अगर फोन नंबर डिपेंड करता, मतलब बोरोवर पे भी करता और बुक नंबर पे भी करता, तो ये वैलिड था। बट यहाँ पर अगर देखें तो फोन नंबर की जो वैलिडिटी है वो सिर्फ बोरोवर से ही आ रही है, क्योंकि फोन नंबर सिर्फ बोरोवर का हो सकता है, बुक का फोन नंबर नहीं होता कभी भी। इस वजह से फोन नंबर को हमको इस टेबल से हटाना होगा, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म कह रहा है। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे। तो अ टेबल इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ
सबसे पहला पॉइंट, इट इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, क्यों? क्योंकि प्रोग्रेसिव है। इसके अलावा ऑल इट्स एट्रीब्यूट्स आर डिटरमाइंड ओनली बाय इट्स कैंडिडेट की एंड नॉट बाय एनी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। मतलब बुक नंबर, बोरोवर, एड्रेस और ड्यू डेट। यहां पर अगर आप ध्यान दें वापस, तो एड्रेस बोरोवर पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखें। तो इस वजह से मुझे यहां पर से वापस दो टेबल्स बनानी होंगी, बुक नंबर, बोरोवर और ड्यू डेट, जबकि बोरोवर और एड्रेस मुझे सेपरेट ले जाना होगा। ऐसा क्यों किया मैंने? इसमें ध्यान दीजिए कि ड्यू डेट बोरोवर और बुक नंबर दोनों की है, जबकि एड्रेस सिर्फ बोरोवर का है, बुक का एड्रेस नहीं होता। तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म का सॉल्यूशन है। एक और एग्जांपल देखिए, इसको अगर हमको बनाना हो तो टूर्नामेंट, ईयर, विनर और डेट ऑफ बर्थ। यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो टूर्नामेंट और ईयर इज द प्राइमरी की, जबकि डेट ऑफ बर्थ विनर की होती है। डेट ऑफ बर्थ टूर्नामेंट और ईयर की होती ही नहीं है, तो यहां पर डेट ऑफ बर्थ ना तो ईयर पे कॉन्सेप्ट आ रहा है ना टूर्नामेंट से आ रहा है। तो हम लोगों को क्या करना होगा कि डेट ऑफ बर्थ को इसमें अलग ले जाना होगा, डेट ऑफ बर्थ टेबल अलग बनानी होगी। तो ये था हमारे पास नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जिसको मैंने एक बहुत ही ब्रीफ वे में कवर करने की कोशिश करी है, कि जिससे कि आप एक सामान्य रूप से इसको पढ़ें और कम से कम 3 नॉर्मल फॉर्म तक की एग्जाम्पल्स को कोशिश करें। थैंक यू।